भाष, तो आपको ध्यान रखना है कि भाष की जो रचनाएं हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी, ठीक है, तो स्वप्न वाष बदत्ता, ठीक है, इसको नहीं भूलिएगा, बाकी सब ठीक है। एक दरिद्र चारुदत्त थे और एक प्रतिज्ञा योगनधारायणम, ठीक है, तो ये भाष की इम्पोर्टेंट रचनाओं में है आपकी स्वप्न वाष बदत्ता। कमायनी, कमायनी किसकी थी, पढ़ी है हमने, बताइए, लाइव क्लास, कमायनी। अशोक घोष की रचना है, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ जी बोलिए कैलाश, भूल गए सारी। सबसे पहले तो बुद्ध चरित, और हे भगवान, कल की आज ही भूल गए आप लोग, सूत्रालंकार। मैंने क्या कहा था कि लास्ट लास्ट के जो पेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और एक और कौन सी थी, शारी पुत्र प्रकरण, ये अशोक घोष जो है वो चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे और कनिष्क के दरबारी विद्वानों में एक थे। इसके अलावा अध्यक्ष कौन थे इस संगीति के, वसुमित्र, ठीक है। तो याद है आपको, बुद्ध चरित, सूत्रालंकार, सारिपुत्र, प्रकरण, इनकी रचनाएं थी। इसके अलावा कालिदास, कालिदास जी जो थे, इन्हें हम महाकवि कालिदास या शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये इनके नवरत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो थे उनके नवरत्नों में शामिल थे। और इनकी जो रचनाएं थी, जल्दी जल्दी बता दीजिए आप, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोवर्षीयम, मेघदूत, हाँ, और इसके अलावा कुमार संभवम, हो गई, और भी रह गई हैं, बता दो। कमाई नहीं किसकी थी, अभी भी अटकी हुई है, सुई है हमारे। अरे जय शंकर प्रसाद की, जय प्रकाश नारायण नहीं, जय शंकर प्रसाद। और ये जो आपको जय प्रकाश नारायण याद आ रहे हैं, इनका भी बता दीजिए फिर, ये कौन है, इन्हें हम जेपी नारायण के नाम से बोलते हैं। हाँ, जेपी हॉस्पिटल भोपाल में इनके, क्या क्या, हाँ। और जयप्रकाश नारायण को जानते हैं आप लोग, इनके क्या सिद्धांत हैं जयप्रकाश नारायण के, ये हालांकि हम थिंकर की बात करने लगे, वो तो नाम आया इसलिए पूछने लगे, ठीक है। चौखंबा सिद्धांत इन्हीं का है, चौखंबा, फोर पिलर बताए हैं इन्होंने, ठीक है, छोड़ो खैर अभी इसको। हाँ, और बात करते हैं हम, इसके अलावा हमने और किस किस की बातें की, बराह मेहर, जल्दी बोलिए, इनकी रचनाएं बृहत संहिता, और पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, और अच्छा सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना थी, हाँ बताएं जरा, सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना थी, जल्दी जल्दी बोलिए बेटा, सिद्धांत शिरोमणि, सब गायब हो गया ऐसा लगता है, लाइव क्लास में सिद्धांत शिरोमणि,
अच्छा चलो लीलावती, भास्कराचार्य और लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि भी भास्कराचार्य की है। बरामीर की क्या थी फिर? और एक और बृहत संहिता, ठीक है, पंच सिद्धांतिका भी ठीक है, और लीलावती किस सब्जेक्ट से संबंधित है? तो ये मैथ की बुक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये मैथ की बुक है। अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से। नीति सार किसकी थी? रिवीजन नहीं किया आप लोगों ने? कामांधक की नीति सार थी। विष्णु शर्मा की बुक कौन सी थी? पंडित विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। चलो इसी बात पे बताओ, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? कल छोड़ दिया था उसको हमने उतने पे। पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? नहीं बताया, पूछ ही रहे हैं। चलो अमरकोश किसकी है? अमर सिंह की, ठीक है। तो अमरकोश, अमर सिंह और अमर सिंह कौन थे? लेक्सिकोग्राफर, ठीक है, यानी ये डिक्शनरी वाले थे अमर सिंह। और किन के दरबारी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी हुआ करते थे। जल्दी जल्दी रिवीजन करो फटाफट। पाणिनि और पतंजलि रचनाएं बताओ। पाणिनि अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी किसकी है? ठीक है, तो ये व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण की बुक है, पहली व्याकरण यही मानी जाती है। और इसी अष्टाध्यायी पे टीका क्या लिखा था इन्होंने? महाभाष्य। तो कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी महाभाष्य कहलाता है, महाभाष्य, ठीक है। इसके अलावा पतंजलि जी किस दर्शन के गुरु या जनक? तो योग दर्शन के जनक थे। पतंजलि किसके दरबार में? ठीक है, तो ये थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, और पाणिनि महापद्म नंद के दरबार में थे। ठीक है भाई, ये हो गई बात। चलो बढ़िया। षड् दर्शन में कौन कौन से लोग थे? एक तो योग दर्शन किसका हो गया? पतंजलि का। इसके अलावा छह दर्शन के नाम बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। पहले पूर्व मीमांसा में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा बाद में, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, वैशेषिक, सांख्य दर्शन, सांख्य, दार्शनिक, न्याय दर्शन और योग दर्शन। योग चलो जल्दी जल्दी, योग पतंजलि, न्याय, पतंजलि, गौतम, सांख्य, कपिल मुनि, वैशेषिक, कणाद, उत्तर आता है बाद में, पहले जैमिनी। तो पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, ठीक है। तो जैमिनी, वादरायण, कणाद, कपिल, गौतम और योग दर्शन के पतंजलि। यहाँ तक कोई समस्या किसी भी तरीके की? चलो इसके बाद और कौन सी बुक है? जल्दी जल्दी, बुक का पूरा काम तमाम करना है अपन को, फटाफट बोलते जाओ। और कौन सी बुक आपने सुनी? इतनी बुकें पढ़ाई यार आप लोग, कैसे कर रहे हो? हाँ सीयू की, आप तो बस बोलते जाओ, आपको याद होनी चाहिए ये चीज। सीयू की किसकी है? होएन, ठीक है। चलो लिखते नहीं बन रहा, आप छोड़ो, वैन सांग हो गया ये। हाँ अर्थशास्त्र,
अर्थशास्त्र, चाणक्य, बहुत बढ़िया। फुको की फायान की, ठीक है। और फायान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। चलो बढ़िया। हाँ, शियू की हो गई, हुएनसांग की इंग्लिश में लिख देते ज़्यादा अच्छे से। इनके नाम ऐसे लगता है ना, वो उधर ही मिक्स हो जाता है, फायान की, फूको की। हाँ, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की, शासन की, प्रशासन की, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन, या कहें मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी। और याद करो मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था, ये ठीक है। तो ये 7 क्लास या 7 वर्गों में विभाजित था। और प्रशासन, इसकी जानकारी भी हमें कहाँ से मिल रही थी, ठीक है, इंडिका से। सप्तांग सिद्धांत यहाँ आएगा, सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत, ये दोनों जो हैं वो किस में जाएंगे, अर्थशास्त्र। और ये बुक है किसकी, राजनीति की, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की। हो गया यहाँ तक, चलो। और कौन सी बुक हमने देखी, नाटक, नाटक हर्ष के, कौन कौन से नाटक, नागानंद, रत्नावली, प्रिय दर्शिका, ठीक भाई, शूद्रक का मृच्छकटिकम, मीनिंग क्या था, माटी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना, ठीक है। हाँ, और और याद करो, देखो ऐसे याद नहीं आता, तो यही चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि मीन्स में आपको अगर याद रखना है तो आपको खुद से क्वेश्चन जनरेट करने की आदत डालनी होगी। मज़ेदार बात ये, क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप बता पाओगे, लेकिन हमें चूंकि क्वेश्चन तो बस उत्तर तो पता हो ना, 4 ऑप्शन में तो याद आ ही जाएगा, आप इस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। ये एक और अच्छी बात होती है कि लेकिन हमें एट द एंड, क्योंकि क्या होता है, टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनीज किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, कहाँ से आया था, तो सीधा बिल्कुल क्लियर कट, सेल्यूकस निकेटर के दरबार में। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, तो हैं अलेक्जेंडर, ठीक है ना, सिकंदर का। सिकंदर ने किसको हराया था, पोरस को। पोरस कौन था, तक्षशिला का शासक। अगो बिल्कुल सिकंदर पोरस का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध, मतलब एज एकदम धड़ाधड़ होनी चाहिए। और आपको ऐसे ही याद होंगी तो ही चीज़ें काम करेंगी, और यही चीज़ें काम करती हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके साथ यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये सब हम पढ़ चुके हैं तो कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा रिव्यू करो अपने आप को, जिससे कि चीज़ें याद हों, थोड़ी सी दिमाग में रहें और गलती नहीं होनी चाहिए। और देखो किताबें आएंगी। एक और चीज़ जो मुझे जल्दी से आपको रिव्यू करनी है वो है आपके अभिलेख। फटाफट बता दो अभिलेख, हमने कितने अभिलेख और कौन कौन से अभिलेख पढ़े, या तो बोलो मैं अभिलेख का नाम बताऊं, आप शासक बताओ, या मैं शासक बताऊं, आप अभिलेख बताओ, आप ही बोलो कैसे खेलना है, हाँ कुछ भी। चलो रुमिनदेई, अरे यार किस शासक से संबंधित, रुमिनदेई अशोक का अभिलेख है जो लुम्बिनी से संबंधित है, अशोक ने लुम्बिनी को करमुक्त कर दिया था, याद है रुमिनदेई। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, एक तरफ रखो। फिर अशोक के नाम का उल्लेख जल्दी जल्दी, गुर्जरा दतिया, मास्की, नेतूर, उदयगोलन, कर्नाटक, 4 जगह से मिलता है अशोक का नाम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गुर्जरा दतिया, मास्की, उदयगोलन और नेट्टूर या नेत्तूर, और तीनों कर्नाटक में, ठीक। तो मास्की, उदयगोलन या उदयगोलन, नेत्तूर, गुर्जरा, दतिया पहुंचे। तो दतिया में और क्या था बेटा, कौन सा मंदिर, सोनागिर का जो मंदिर था, ठीक है।
और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति किसकी थी? चंद्र प्रभु, ठीक है, तो चंद्र प्रभु की मूर्ति थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये अशोक के ये हो गए। फिर इसके बाद अशोक का एक सारनाथ अभिलेख था, ठीक है। हाँ, उन्नाव में सूर्य मंदिर बताया था मैंने आपको, उन्नाव में सूर्य मंदिर, ग्वालियर में सूर्य मंदिर बिरला का, इसके अलावा दसपुर मंदसौर का सूर्य मंदिर, इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ब्लैक पैगोडा था, और इसके अलावा हमने आपको बताया था मोडेरा का सूर्य मंदिर। तो ये सारे सूर्य मंदिर हमने आपको बताए थे। बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने, ठीक है, ध्यान रखना है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। मातंगेश्वर मंदिर कहाँ था? मातंगेश्वर मंदिर जो है वो खजुराहो में था, और किस देवता को समर्पित है? ठीक है, तो जय भोलेनाथ। हाँ, इसके अलावा मैंने आपको एक कंदरिया महादेव मंदिर बताया था। कंदरिया महादेव किसने बनवाया? जल्दी जल्दी बोलो, जिसे किसने नहीं हरा पाया था, ठीक है। विद्याधर को किसने पराजित नहीं किया था? विद्याधर ने किसका सफल प्रतिरोध किया था? महमूद गजनबी, ठीक। हम पूरा आर्ट एंड कल्चर कोशिश कर रहे हैं कि समेट दें, तो थोड़ा सा एक बार चीज़ें गुजर जाएंगी आपके आंखों से, ठीक है। ये हो गया मातंगेश्वर मंदिर। इसके अलावा एक और मंदिर था, चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था? यशो वर्मन ने, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको यशो धर्मन बताए थे, तो यशो धर्मन से संबंधित कौन सा अभिलेख था? मंदसौर प्रशस्ति, यशोधर्मन। और इसके अलावा मंदसौर से ही हम किसको और जानते हैं? कुमारगुप्त प्रथम को। कुछ भी बोल रहे हो, चलो इसी बात पे बता दो, स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त का वर्णन मिलता है कि इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया था। इस समय स्कंदगुप्त के समय इनके गवर्नर और अधिकारी कौन था वहाँ का? और किसके बेटे थे? चक्रपालित, पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित, ठीक है, यहाँ का प्रशासक हुआ करता था। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? जूनागढ़ के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो जूनागढ़ अभिलेख या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने आपको स्कंदगुप्त का और कौन सा अभिलेख बताया था, ठीक है, तो भित्री, ठीक है, भित्री छुट्टी की, बड़ी की जो भी लगानी है, छुट्टी की ज़्यादातर मिलती है। तो भित्री स्तंभ लेख कहाँ है? यूपी में है, और किसकी? हूण आक्रमण की जानकारी हमें इससे मिलती है, और यही स्कंदगुप्त है जिसने हूणों के आक्रमण को विफल किया था। इनके पिता का नाम क्या था? कुमारगुप्त के समय किसका? पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। और कुमारगुप्त ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा कौन सी संगीति हुई थी कुमारगुप्त के समय? कौन सी? तो कुमारगुप्त, एक तो ये नालंदा के फाउंडर हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, इसके अलावा सेकेंड जैन संगीति बल्लभी गुजरात में हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अब बताओ, द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रमण, ठीक है। तो देवर्धि क्षमा श्रमण जो थे वो सेकंड जैन काउंसिल के अध्यक्ष थे। और कुमारगुप्त के और कौन कौन से अभिलेख थे भाई? मंदसौर अभिलेख, जिसे हम दसपुर अभिलेख भी कहते हैं, सूर्य मंदिर की जानकारी, लाट की जानकारी, बुनकरों की जानकारी, दुनिया का पहला विज्ञापन, ये सब हमने इनसे संबंधित, और इनके उस समय के गवर्नर या प्रशासक कौन? बंधु वर्मा, कुमारगुप्त प्रथम के, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, द्वितीय जैन संगीति, और पुष्यमित्रों का विद्रोह, और इनका बेटा स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के समय कैसे सिक्के चले थे? अशुद्ध सिक्के थे, लेकिन सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के विष्णुगुप्त के समय चले थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के
गुप्तों के समय, और सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के भी गुप्तों के समय। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो शुद्ध रूप से चलाए गए थे वो कुषाणों के समय, और पहला सोने का सिक्का किसने चलाया था? विमकट फिसस ने चलाया था। इन्हीं को अगर हम वंश के रूप में देखें तो इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी जो थे, इन्होंने सबसे पहली बार भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, वो भी प्रिंटेड वाले, ठीक है, अंकन वाले। ये हो जाता है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे वैसे? कुजुल कटफिशर्स। का कुजुल कटफिशर्स और कुषाण वंश, इनका बेटा कौन था? क्या लिंक चली गई? हाँ ठीक है, कुजुल कटफिशर्स ने तांबे के, विम कटफिशर्स ने सोने के, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी किसके समय में? तो कुषाण वंश के समय में। चलो और अभिलेख कौन से पढ़े हमने? समुद्रगुप्त, प्रयाग, प्रशस्ति, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ लेख, हरिशयन इसके राइटर थे, इसमें अशोक की जानकारी भी मिलती है हमें, और समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल, जहांगीर, इन सब की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त जो थे भारत के नेपोलियन, किसने कहा है इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया? विंसेंट स्मिथ, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद और कौन से अभिलेख हमने पढ़े अशोक के, बताओ जरा अभी क्या है? अशोक के 14 शिलालेख हैं, 13 नहीं पहले तो, ठीक है। रानी का अभिलेख कौन सा था? ठीक है, तो ये जो इलाहाबाद स्तंभ लेख था, कौशाम्बी वाले का, हाँ, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या कौशाम्बी का अभिलेख जो है ना, यही कहलाता है रानी का अभिलेख, और इनकी रानी कारूबा की और इनका पुत्र तिवर की जानकारी हमें इससे मिलती है। चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा अशोक के और कौन से अभिलेखों की हमने बात की? सांची के स्तूप अशोक ने बनवाए, भरत स्तूप अशोक ने बनवाए, लेकिन दोनों की रेलिंग या तोरण द्वार पुष्यमित्र सुंग ने बनवाया। अशोक के मध्य प्रदेश में कौन से अभिलेख थे और? सीहोर, पानगुड़ारिया, सारोमारू, ठीक है। सारोमारू कहाँ है, सीहोर या शहडोल? सारोमारू की गुफाएं सीहोर में, और सारोमारू के अभिलेख, ठीक है, कहाँ पे? शहडोल में, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, कल एक प्रश्न पूछा था आप लोगों ने, किसी ने जवाब नहीं दिया था, लक्ष्मीकरण ने कौन सा मंदिर बनवाया था? लक्ष्मीकरण, दो लोग बात कर रहे थे हम, युवराज देव प्रथम, कुछ याद आ रहे हैं, और लक्ष्मीकरण, इनके मंदिर बताओ। दक्षिण भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर, सॉरी उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर, तेली का मंदिर ग्वालियर, ठीक है। अजंता, एलोरा, और इनमें गुफाएं कितनी कितनी थी? अजंता में, अजंता 29, ठीक है, एलोरा में 34, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी बाघ की गुफाएं, एलिफेंटा में कितनी थी? 7, बाघ में 9, ठीक है। और यहाँ हम बात करें उदयगिरी में, बताओ जल्दी से उदयगिरी में, कुछ तो बोलिए आप लोग। अच्छा, किसकी गुफा, किसका मंदिर था उदयगिरी में? बराह मिहिर नहीं, बराह अवतार, ठीक है। विष्णु जी के कितने अवतार माने जाते हैं? विष्णु भगवान के 10 अवतार माने जाते हैं। जल्दी से कुछ और अभिलेख बता दो, काम खत्म हो, आगे बढ़े, ठीक, बहुत बढ़िया। एरन अभिलेख से संबंधित शासक कौन कौन से हैं? एक भानुगुप्त और एक, ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय एरन को ही क्या कहा जाता है? शौभोग नगर। और एरन में सती प्रथा कब की थी? ठीक है, किसकी पत्नी थी चित्रांसी? गोपराज, ठीक है। तो गोपराज जो थे उनकी पत्नी चित्रांसी जो थी उनकी डेथ हो गई थी, और इसके बाद पत्नी की नहीं पति की, गोपराज की डेथ हुई थी, जिससे चित्रांसी जो है वो पहली सती हुई थी। इसका वर्णन मिलता है सती प्रथा के एरण अभिलेख में, जो कि सागर में स्थित है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को?
तो इतनी बातें जो हमने पढ़ ली, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको अच्छे से रिव्यू करिए। अब हम लोग आगे चलें, किसी को कुछ पूछना है या और बता दें कुछ? क्या एहोल अभिलेख? अच्छा सुन लो भैया, आप लोग तो जल्दी, आप ही भी तो थोड़ा पार्टिसिपेट करो, नहीं तो कैसे मजा आएगा। एहोल अभिलेख किसका था? पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। इसके लेखक कौन थे? रवि कीर्ति इसके लेखक थे। तो राइटर या लेखक के रूप में हम रवि कीर्ति को जानते हैं, पुलकेशिन सेकंड का था, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति थी, एहोल प्रशस्ति है, और एक हमने बताई थी कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किससे? राणा कुंभा, और इसके जो राइटर थे वो अभी कवि थे, ठीक है। तो राणा कुंभा ने, ठीक है, कीर्ति स्तंभ जो है वो इन्हीं ने बनवाया है, जिसे हम विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप अच्छे से। आज के लिए इतना रिवीजन मेरे हिसाब से पर्याप्त है। अब हम लोग आगे चलते हैं। लाइव में किसी को कुछ पूछना है?